सब्सक्राइब कीजिए हॉरर ट्रीट चैनल को और देखिए हर फ्राइडे एक नई हॉरर स्टोरी। बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। ये डरावनी कहानी पूरी तरह से समझने के लिए आखिर तक जरूर देखिए। जुलाई के महीने में शर्मा परिवार अपने नए घर में रहने के लिए आने वाला था। परिवार में पति, पत्नी और उनका 6 साल का बेटा बबलू था। नए घर में शिफ्ट होने के बाद शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर एक दिन बबलू की माँ किचन में खाना पका रही थी, तब उन्होंने बबलू को किसी से बातें करते हुए सुना। बबलू किससे बात कर रहा है ये देखने के लिए वो बाहर हॉल में आई, लेकिन उन्हें वहाँ बबलू के अलावा और कोई नहीं दिखा। उन्होंने बबलू से पूछा कि तुम किससे बात कर रहे हो, तब बबलू ने बताया कि मैं अपनी फ्रेंड पिंकी से बात कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद बबलू की माँ मुस्कुराई। उन्होंने सोचा कि आसपास बबलू के साथ खेलने के लिए कोई छोटे बच्चे नहीं है, इसीलिए उसने शायद कोई इमेजिनरी फ्रेंड बनाया होगा। इस बात पर बबलू की माँ ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन बबलू की माँ ने बबलू की हंसने और खेलने की आवाज़ें सुनी और उसके तुरंत बाद उन्होंने एक टेबल के हिलने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ काफ़ी ज़ोर की थी, तो वो देखने के लिए चली गई। तब बबलू उन्हें अकेले ही हंसता हुआ और खेलता हुआ दिखा। उन्होंने उससे पूछा कि वो किसके साथ खेल रहा है और ये टेबल किसने हिलाया। तब बबलू ने फिर से कहा कि वो पिंकी के साथ खेल रहा है और टेबल भी पिंकी ने ही हिलाया। बबलू की बात सुनने के बाद बबलू की माँ को लगा कि बबलू ये सब उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कर रहा है। बबलू की माँ ने ये सोचकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे वो इन चीज़ों को भूल जाएगा। अगले दिन बबलू ने अपनी माँ से पूछा कि क्या मैं पिंकी के साथ ऊपर के कमरे में खेलने के लिए जा सकता हूँ। तब उन्होंने कहा, हाँ जाओ, लेकिन ध्यान से खेलना। कुछ देर तक बबलू की माँ को उसके खेलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन बाद में उन्हें अचानक बबलू की ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। वो काफ़ी घबरा गई और फौरन ऊपर वाले रूम की तरफ भागी। रूम में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था। उन्होंने दूसरे रूम में भी देखा, सारे कबर्ड्स देखे, बालकनी में भी देखा, लेकिन बबलू कहीं नहीं दिखा। वो फिर से नीचे आ गई और बबलू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बबलू नीचे भी नहीं था। फिर बबलू की माँ ने बबलू के पापा को फ़ोन करके सब कुछ बताया और उन्हें घर बुलाया। उनके घर आते ही दोनों ने फिर से बबलू को सब जगहों पर ढूंढा, लेकिन बबलू का कुछ पता नहीं चल सका। आखिरकार बबलू के पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में जाकर बबलू की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की। पुलिस ने तुरंत बबलू को ढूंढने का काम शुरू किया। उन्होंने बबलू के घर का फ़ोन भी टैप करवाया, जिससे अगर बबलू का किडनैप हुआ हो तो पता चल सके, लेकिन कोई फ़ोन नहीं आया। कुछ दिन बीत गए पर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। बबलू एक रूम से अचानक कैसे गायब हो गया, इस बात का जवाब किसी के पास भी नहीं था। पहले 6 महीने बीत गए, फिर 1 साल बीत गया, लेकिन बबलू वापस नहीं आया। उस घर में रहते हुए बबलू के पेरेंट्स को बबलू की काफ़ी याद आती थी, इसीलिए उन्होंने वो घर छोड़ दिया। बबलू के पेरेंट्स के वो घर छोड़ने के 2 महीनों बाद एक नया परिवार उसी घर में रहने के लिए आया। वो परिवार भी बबलू के परिवार जैसा ही था। उस परिवार में भी पति, पत्नी और उनका एक 5 साल का बेटा पप्पू था। घर में शिफ्ट होने के दूसरे दिन ही पप्पू के माँ ने भी पप्पू को किसी से बात करते हुए और खेलते हुए देखा।
उन्होंने पप्पू से पूछा कि तुम किससे बात कर रहे हो। तब पप्पू ने हल्की सी मुस्कान के साथ उन्हें बताया, अपने नए दोस्त बबलू से।